नमस्कार, ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेणु मौर्य। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टीकाकरण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले श्रीनगर के जिला विकास आयुक्त एजाज असद कहते हैं, उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने कहा कि हमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ पर पूरा भरोसा है। टेलीविजन पर जो आप देख रहे हैं वह निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर नहीं होगा। फारूक खान आज कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे थे, वहीं उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। देखिए, आपके माध्यम से मैं सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अपने डॉक्टर पे, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट पे भरोसा रखिए। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चौकस है और हम हरगिज़ वैसे सीन यहाँ पर नहीं दोहराने देंगे जैसे आप शायद टीवी के ऊपर देख रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है अपने मेडिकल स्टाफ पे, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और उनको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस मिलती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी हमको उतना ही भरोसा है जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं। तो लिहाजा मैं आपको एक मतलब फिर ये आश्वासन देता हूँ कि लोगों को पैनिक नहीं करना है, उनके किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास सफिशेंट दवाई हॉस्पिटल कामला भी है और जिस चीज़ की भी जरूरत हो सकती है, जो आगे भी देख रहे हैं हम, जैसे जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, शायद ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़नी शुरू हो जाए, तो आपने देखा 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पे फंक्शनल होने जा रहा है, तो हम फिर बाहर वालों की भी मदद कर पाएंगे एक मरतबा जिस वक्त हमारा यहाँ। पूंछ की तहसील मेढर में आज रेखा शर्मा की कोविड-19 से मृत्यु हो गई, जिनका अंतिम संस्कार ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेजर डॉक्टर परवेज अहमद खान की देखरेख में कोविड-19 की SOPs का पालन करते हुए किया गया। कोविड-19 मामलों में उछाल के मद्देनजर KCC ने कुपवाड़ा में डोर स्टेप्स पर पेट्रोल देना शुरू कर दिया। KCC के मालिक ने कहा कि यह निर्णय कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में सक्षम हैं और हमने कुपवाड़ा के लोगों के लिए एक मोबाइल पेट्रोल शुरू किया है। उन्होंने लोगों से SOP और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का अक्षर और मंत्र के साथ पालन करने की अपील की। नाम क्या है? मेरा नाम सफीर अहमद है सर। सफीर साहब, मुझे बताइए कब से स्टार्ट हुआ नॉर्थ कश्मीर? पहली बार स्टार्ट हुआ? बिल्कुल सर, ये जैसे कि सर्विस मोबाइल फ्यूल सर्विस है सर, ये पहली नॉर्थ कश्मीर में पहली सर्विस है, ये जो एवरग्रीन पंप की तरफ से और इंडियन ऑयल की तरफ से शुरू की गई है। तो ये सर इसी के रिलेटेड शुरू की गई है, क्योंकि सर हमारे जो नॉर्थ इलाके में है बहुत कम सर्विसेज ऐसी हैं कि जो हम पंप से रिलेटेड, जो हमारा रामाल इलाका ले लेते हैं, हमें इसमें बहुत कम हमें पंप देखने को मिलते हैं, और बाय द वे हम देखने को मिलते भी नहीं है सर। जैसे कि हमारा तारकपुरा हुआ, हम और कल से यहाँ हम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज सुबह से हमें कॉल आए थे, हम सर्विस भी दे रहे हैं सर यहाँ से। आज हमने तारकपुरा सर्विस दी सुबह, उसके बाद शुलूरा दी हमने सर्विस सर, और उसके बाद हम अपना कल एक फेसबुक पेज पे इसकी टाइमिंग आपके पास जारी कर देंगे, जिसमें अलग अलग टाइमिंग होगी कि भाई कौन से दिन हम किस इलाके में जाएंगे।
और फ्यूल क्वालिटी और फ्यूल क्वांटिटी की बात की जाए तो उसके लिए मैंने पहले से जैसे बता दिया है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास मेजर होता है 5 लीटर का, जो कि भाई ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कलेबरेटेड हमारे पास होता है, विद सर्टिफिकेट है हमारे पास, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपके साथ ऐसा कुछ पंप के रेंज में है, विद इन 3 to 5 कोई चार्जेस नहीं है, वही सेम रेट रहेगा जो पंप पे रेट है। लेकिन हाँ, अब अब्रॉड हम चले जाते हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद जो ऑनलाइन मशीन हमारी डिस्पेंसरी दिखाएगी वही रेट वहीं पे रहेगा, जैसे कि किसी का 10 पैसे होगा कि सर। और इसे बाकी चीज मैं आपको बता दूं सर इस गाड़ी के बारे में, आज इस कोविड के महामारी में जैसे कि लोग काफी पैनिक हो जाते हैं और रश नहीं करना चाहते, और हम भी नहीं चाहते कि हम पेट्रोल पंप्स पे रश हो जाए, क्योंकि आज जितना हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे हमारे लिए अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है सर, डोर टू डोर सर्विस शुरू कर दी है, तो ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका हो गया है लोगों के लिए। बस एक फोन कॉल से दूर हैं, बस अपने सीधे ही फोन कॉल करें और हम आपके पास पहुंच गए, अगले 10 मिनट में हम आपके पास सर्विस देने पहुंच गए। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत एक एसेंशियल सर्विस लोगों की तरफ आ चुकी है सर, हमारे नॉर्थ कुपवाड़ा में। समय बात करें पूंछ में बीती शाम 7 बजे से सुबह सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। आज SSP खालिद अमीन ने अपनी टीम के साथ पूंछ की अलग अलग जगहों का दौरा किया और लोगों को घरों से बाहर न आने की अपील की। मौका नहीं आने देना हमने कि वो ओवर बर्डन हो जाए, ओवरलोड हो जाए, और वो सिचुएशन हो जो आज दूसरी स्टेटों के अंदर है। इसमें मैं फिर एक बार अपील करूंगा, DC साहब, SSP साहब बड़े पार्टिकुलर हैं इस मसले में, हम रात से ही इसमें लगे हुए हैं कि कोई इसकी वायलेशन ना हो, एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विस, जिनको दूध चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ये जो सुबह 6 से 10 के बीच में, वो भी अगर एक मोहल्ले से 2 आदमी को 4 आदमी को जरूरत है, 2 ही आदमी आए, 2 दूसरों की लेके चले जाएं, ये उस तरह का वो फिश मार्केट नहीं बनानी और ना बनने देंगे। सिख संगत 1 मई को पूरे विश्व में 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल पुराना प्रकाश दिवस मना रहा है। पूंछ में गुरुद्वारा ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन में एक प्रभावशाली गुरु समागम का आयोजन किया गया। सुबह के बाद श्री अखंड पाठ साहिब कार्यक्रम का आगाज दोपहर 12 बजे तक किया गया। गुरविंदर सिंह, पवनदीप सिंह, मनमीत सिंह, तेजवीर सिंह, जगजीत सिंह, अतिरंदर आपके और संत मेरा सिंह पब्लिक स्कूल के छात्रों के रागी जत्थों ने गुरुबाणी कीर्तन का पाठ किया। संगतों के रूप में व्यक्ति द्वारा किए गए सहेज रास्तों के भोग भी उत्सव का हिस्सा थे। उपदेशक एस मनमोहन सिंह पूंछ ने धर्म और आस्था के विश्वास और हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी के जीवन इतिहास और गुरु जी के सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगत से गुरु जी के दर्शन और मानवता की सेवा करने के उपदेशों पर चलने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें निर्णायक ताकतों के बारे में पता होना चाहिए जो मनुष्यों के बीच नफरत फैलाने और हरेक को अपने विश्वास के अनुसार धर्म का अभ्यास करने का अधिकार है। किसी को विशेष नारे लगाने के लिए मजबूर करना, क्षेत्र धर्म जाति के आधार पर न्याय करना या राज्य की इच्छा के अनुसार धर्म को अपनाना औरंगजेब का दर्शन हो जाता है जो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने सिख संगठनों द्वारा मानवता के आधार पर कोरोना पीड़ितों के लिए प्रदान की गई सेवा की प्रशंसा की। जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा इमाम दीन ने आज कुपवाड़ा शहर के कई बाजारों का दौरा किया। यस्टर शाम से लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के कार्यान्वयन का जायजा लिया गया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त कुपवाड़ा नजीर अहमद लोन और SSP फिरोज अहमद भी थे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सार्वजनिक हित में सख्ती से तालाबंदी की गई है और आगे महामारी की बीमारी फैल गई है, जिसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस टीमों को जिले भर में तैनात किया गया, पत्र और आत्मा में लॉकडाउन लागू करें। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे आपातकालीन स्थिति को छोड़कर आवश्यक रूप से अपने घरों में बाहर न निकले। कोविड के तई जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन का जायजा ले रहे थे, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है और हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस की जो पार्टियां हैं वो पूरे मार्केट एरियाज में घूम रही हैं और इसको कामयाब बनाने के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ताकि इसकी जो चेन है, जो कोविड की चेन है, इसको तोड़ा जाए और इसको फैलने से जो है कंटेन किया जाए, रोका जाए, इस सिलसिले में जो है ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि आपके माध्यम से मैं फिर एक बार लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अननेसेसरी बाज़ारों का रुख करें नहीं करें, अर्जेंसी में ही कोई मेडिकल अर्जेंसी है या किसी को अर्जेंट नेचर का
काम है, लॉजिकली ही शुड बी इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन दैट लॉजिकल वर्क, तो तब जाके उनको एसेंशियल सर्विस सिर्फ हमने एलो रखी है, बाकी कोई किसी किस्म का हमने एलो नहीं रखा इसमें। इसको पाबंदी के साथ हम सबको मिल के एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहे पब्लिक को, ताकि इसको कामयाब बनाया जाए और अपने आप को जो है कोविड जो है कि वबा जो है उससे अपने आप को सेफ रखना। नाराज मोड में वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री गुलाम अहमद रेशी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को कश्मीर घाटी के गुलमर्ग, चश्मा शाही, ट्यूलिप गार्डन, नशात शालीमार की यात्रा के लिए आगंतुकों को रोकना चाहिए। आपने बैन लगाई तरायल पढ़ने पर, आपने बैन लगाई जुमा पढ़ने पर, आपने बैन लगाई, ठीक है। अगर आपने बैन लगाई है कि नमाज नहीं होना चाहिए और दुकानदारों को ऑर्डर दिया है कि दुकानें नहीं खुलना चाहिए, जो हमारे लेबर लोग हैं जो मान लो श्रीनगर में काम करते, मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे लेबर लोग बेचारे काम करते जिनका कोई सहारा नहीं है, खाली मजदूरी है उनका सहारा, अगर आपने उनको भी बंद कर दिया ठीक है, मगर मुझे बताइए आप ये लॉकडाउन खाली कश्मीरियों के लिए, ये कश्मीरी दुकानदार के लिए, ये कश्मीरी मजदूर के लिए, ये कश्मीरी स्टूडेंट के लिए, ये कश्मीरी एजुकेशन के लिए, जो गुलमर्ग इस वक्त जो टूरिस्ट आ रहा है, जो पहलगाम में जो टूरिस्ट आ रहा है, जो इस वक्त बाकी चश्मे शाही पे, जो शालमर में, जो डल में इस वक्त टूरिस्ट घूम रहे हैं, क्या उनके लिए लॉकडाउन नहीं है? क्या उनके लिए कोविड नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप दो राय, ये दो रंग की पॉलिसी मत चलाओ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। या तो आप टूरिस्ट को भी बंद करो, या जो बिहारी यहाँ पर इस वक्त जो आपने हज़ारों में यहाँ छोड़े हैं, लाखों में बिहारी इस वक्त जो काम कर रहे हैं कश्मीर में, क्या आपने उनका टेस्ट किया है? आपने किस वजह से उनको कश्मीर में छोड़ दिया है? अगर कोविड है तो उनको वो क्या कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर? क्या ये कश्मीरी के लिए कोविड है? पिछले साल भी आपने 6 महीने कश्मीरी को अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया कि कोविड है, ठीक है हम उसको एहतराम करते हैं, हम हमारी मजहबों पर आपने अपने बैन लगाई है। हम इस वक्त मौलवी साहबों का भी शुक्रगुजार करते हैं, उन्होंने खुद अपने लिए उन्हें एक डिसीजन रखी है, मास्क लगाई है। मगर आप मुझे बताइए आप जब इस बीमारी से आपके डॉक्टर पे फेल हो गई, आपका साइनस पे फेल हो गई, क्या ये बीमारी के साइनस वालों ने निकाली है? ये बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है, ये बीमारी अल्लाह ताला ही पैदा करते हैं, अल्लाह ताला इसको ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये बीमारी को ख़त्म करना है, अगर इस बीमारी को आपको नजात मांगना है, मुसलमानों को मस्जिदों को मत करो आप बंद, मस्जिदों को खुला रखो ताकि वो अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तारेल पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे, उसमें शफात है, वो दुआ हमारा ज़रूर कबूल हो जाता है ताकि बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आपको मुझे शक लगता है आपको खाली हमारी मस्जिदों को बंद करना है, आपको कोविड को बंद नहीं करना है। कोविड को अगर बंद करना है तो मस्जिदों को खुले रखो आप, और नमाज पढ़ने दो, 5 वक्त नमाज पढ़ने दो, जुमा को खुले रखो आप दरगाहों को खुले रखो, आप बड़ी मस्जिद को भी खुला रखो। आप मस्जिदों को क्यों बंद करते हो? आप हमारे दुकानदारों को क्यों परेशानी करते हो? मुझे बताइए अगर आपने ये कोविड बनाया है तो मुझे बताइए इस वक्त गुलमर्ग के जो टूरिस्ट आ रहे हैं क्या वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? बिहारी क्यों आए हैं इस वक्त यहाँ पर? कोविड की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर 19 सकारात्मक मामले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दुकानदार सचिन कुमार वैशाली ने सार्वजनिक रूप से कोविड SOP का पालन करने, डबल मास्क पहनने और टीका लगाने की अपील की। 105 केसेस कोरोना के आए हैं और अगर जो जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो चीज़ें क्या हैं हमारे कंट्रोल से बाहर होंगी। आप सभी से अनुरोध है कि मास्क पहने, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जो भी कर्फ्यू है उनके नियमों का पालन करें, SOPs जितने भी हैं उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एकजुट होकर ना बैठें। जब भी आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलें, जब जरूरत ना हो तो घर में ही रहें, सभी परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। हिंदुवादी नेता राजू चंदेल ने कोरोना महामारी की आड़ में चीन द्वारा भारत पर जैविक हमले की आशंका व्यक्त की है। पत्रकारों से बात करते हुए चंदेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी को चीन को बेनकाब करने के लिए दुनिया का समर्थन मिलना चाहिए जो कि नरसंहार के पीछे है और कोरोना महामारी वाले लोगों को मार रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को देश में वातावरण की बारीकी से जांच करनी चाहिए और कोरोना फैलने के कारण की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन के कोरोना जैविक हथियार को भारत की वायु प्रणाली में गुप्त रूप से विस्फोट किया गया। पूरी दुनिया और भारत ने पिछले साल भी इस तरह से इस कोरोना महामारी का मुकाबला किया है। कोरोना ने कभी भी हमारे देश में इतनी भयानक मौत नहीं बनाई जो इस बार बनाई है। हमें नहीं लगता कि किसी भी कोरोना वायरस को अभी तक पूरे भारत का एक जबरदस्त घातक जैविक हथियार के प्रभाव को देखना है और इसका प्रभाव है हमारे भारतीय वातावरण में। पीयूष सिंगला ने आज डाक बंगला खानबाल में
अभियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक सह संवादात्मक बैठक की। शुरुआत में डीसी ने अधिकारियों को मामले की सजा दरों में वृद्धि के लिए कठोर प्रयास करने के लिए प्रभावित किया। उन्होंने ये भी कहा कि नारकोटिक्स और प्रतिबंधित ड्रग्स के व्यापार से जुड़े लोगों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स और साइक्रोट्रोपिक पैच पदार्थ अधिनियम के तहत दंडित किया जाता है। इनकर काल का रूप लेकर के गांव गांव कस्बों कस्बों में जो लोग हमारे भारतवासी मारे जा रहे हैं, उसके वायुमंडल के अंदर जो जैविक ये वातावरण फैला दिया है और उस वायुमंडल के अंदर जिस तरह से ये लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता ये कोई कोरोना है, ये कोई दूसरा कोई खतरनाक वायरस, कोई जैविक हथियार छोड़ा है, इसकी जांच कराने का विषय है। हमें नहीं लगता, कोरोना पहले भी पिछले साल भी आया था लेकिन इतनी मृत्यु का आंकड़ा नहीं बढ़ा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मौतों का आंकड़ा फैला है, इस मौतों के आंकड़ों की जांच होनी चाहिए और इस जो कोरोना वायरस की तरह जो वायरस फैल रहा है जगह जगह, इसकी जांच होनी चाहिए और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मुद्दा उठे। मैं कहता हूं ये भारत के प्रति कोई बहुत बड़ी साजिश है, कोई जैविक हमला है भारत के ऊपर नहीं, इससे पहले भी कोरोना फैला है और भी विश्व के देश में फैले हैं, इस तरीके का मौतों के ढेर नहीं लगे हैं, लाशों के ढेर नहीं लगे हैं। आज इस चीज की जरूरत की आवश्यकता है। मुझे कहीं ना कहीं आशंका है कि ये चाइना ने कोई ना कोई ऐसा वायरस, ऐसा कोई जैविक हथियार छोड़ा है जिससे भारत में चारों तरफ तबाही मची हुई है। विभाग के प्रयासों को आपराधिक न्याय शास्त्र के रूप में देखते हुए डॉक्टर सिंगला ने NDPS अधिनियम और अन्य प्रमुख विधानों के बारे में मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच जागरूकता स्तर बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इम्तियाज हुसैन ने अवैध नार्को तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के अलावा जिले के युवाओं में नशीली दवाओं और नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कानून की अदालत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रवेश स्तर को बढ़ाने के लिए कानूनी कार्य करें। इससे पहले उप निदेशक अभियोजन रियाज अहमद ने अधिकारियों द्वारा सामने की जा रहे कुछ मुद्दों के अलावा विभाग के कामकाज का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया है। कोरोना कर्फ्यू उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में लगाया गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।